अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आलू मेथी बनाने लगी थी, तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। वैसे आलू मेथी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ये बस आंटी और अब्बू जी कह रहे थे कि आज आलू मेथी बनानी है, तो मैंने कहा चलो फिर वही बना लेते हैं। तो ये मैंने घी डाला है, घी से ना इसका टेस्ट अच्छा आता है। ये मैंने तकरीबन 1.5 चम्मच घी डाला है। ये देखें, लहसुन प्याज वगैरह सारी चीज़ें रेडी करके रख ली थी, बस स्टार्ट करती हूँ। ये प्याज को थोड़ा ब्राउन कर लेते हैं। ये देखें इस तरह हो गया। आज मैं और भाभी बना रहे हैं। भाभी ना 3-4 दिन से गई हुई थी, रोज़ बहाना लगा देती थी आज मैं ठीक नहीं हूँ, सुबह खाऊंगी, आज फिर आ ही गई हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं अकेली हूँ। छोटी भाभी तो होती थी लेकिन वो खाने पे कभी कहीं जाती रहती हैं, तो फिर इसलिए वो घर में दोनों भाई और भाभी टिकते नहीं हैं, तो मैं अकेली होती थी, तो मेरे लिए आज भाभी आई तो मुझे सुकून हुआ है। बस ना कमरे में भी अकेली होती थी मैं, जब भाई आते हैं तो फिर मैं और भाभी उतने दिन इकट्ठे ही रहते हैं। भाई की तो जॉब है ना, तो वो माशाल्लाह उधर होते हैं साहिवाल में, तो मोहम्मद भी आज बहुत खुश है अपनी मामी को देख के। ये देखें टमाटर और हरी मिर्च मैंने इकट्ठी डाल दी थी, भाभी कहती चलो क्या अकेले अकेले कट्टे रहना है, तो चलो कट्टे डाल देते हैं। तो हाँ चलो ठीक है। ये अब इसमें मैं नमक मिर्च हल्दी डालूंगी, गरम मसाले वगैरह इसमें कोई भी नहीं डालूंगी क्योंकि फिर इसका ओरिजिनल टेस्ट नहीं आता, और इन चीज़ों में मुझे ना वो नहीं पसंद। ये हल्दी डाली, ये रेड मिर्च है, ग्रीन भी डाली हुई थी रेड। वैसे मैं एक बात बताऊं कि मैंने ना कभी भी ये नहीं कि इतने चम्मच डालूँ, मुझे अब ना खाना बनाते हुए तकरीबन इतनी देर हो गई कि मुझे अब अंदाज़ा हो गया है मतलब कितनी किस चीज़ में कितनी स्पाइसेस डलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना तो पता चल गया। अब इसको ज़्यादा थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, पानी में इसमें लगाऊंगी नहीं क्योंकि ये मेथी वगैरह अपना पानी काफ़ी छोड़ देती है। ये देखें कटिंग की हुई मेथी है, पालक भी है इसमें थोड़ी सी, ये देखें। और अभी अभी मुझे फ़ोन भी आया है, भाभी लोग आज खाने पे अपने मामों के घर गए हुए थे, तो वो भाभी के मामों के साथ आ रहे हैं इधर, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी अभी वीडियो तो स्टार्ट की ही हुई है, तो चलो खाना भी जल्दी जल्दी बना लो और फिर वीडियो में खाने के लिए भी कुछ करते हैं। और माशाल्लाह मोहम्मद ने अपना स्पीकर स्टार्ट किया हुआ है, अब भाभी उसका फीडर बना रही है। मैं आलू भी इसके साथ ही डाल दूंगी फिर ना, आलू भी इसी पानी में अच्छे से पक जाएंगे। अब ये देखें आलू भी कटिंग किए हुए थे, ज़रा बड़े बड़े किए हैं मेथी में, अच्छे लगते हैं। और अब आलू डाल दूँगी और फिर थोड़ा सा मतलब भून दूँ इनको, और ढक्कन दे के भाप पे फिर होती रहेगी, बहुत अच्छा सा सालन बनेगा, ज़रूर ट्राई करें। और मेरे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती हैं। मैं बिल्कुल सिंपल सिंपल बनाती हूँ, मेथी की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है लेकिन मुझे पसंद नहीं है।
वैसे बड़ों को इस तरह की सब्जियां बहुत पसंद होती हैं, मेथी मोगरे इस टाइप की। लगा दूंगी और तकरीबन 15 मिनट के लिए दम पे लगा दूंगी, और तब तक मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ लेती हूँ, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। जी माशाल्लाह से सालन बहुत अच्छे से बन गया है। मैंने आँच बिल्कुल स्लो की हुई है। ये देखें आलू, देखें कितने अच्छे से गल गए हैं। ये देखें अब धनिया डालूंगी और फिर फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। पहले माशाल्लाह से बहुत ग्रीन है धनिया, इसमें नज़र भी नहीं आएगा लेकिन फिर भी अच्छा लगता है। ये देखिए बहुत अच्छा सालन बना है, लेकिन मैंने खाया नहीं, बाकी सब बताएंगे कि कैसा बना है। और आप भी ज़रूर ट्राई करें और फिर बना कि मुझे बताइएगा कि आपका कैसा बना है सालन। बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया है मैंने, ठीक है? फिर दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद अल्लाह रखिएगा। हाफिज़। भाभी भी कह रही हैं अल्लाह हाफिज़।